साथियों को मेरा नमस्कार। एमके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आइए साथियों, एट गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा सातवीं की हम संस्कृत विषय को हल करते हैं। इसके महत्वपूर्ण पाठ को हल करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। पाठ दिया गया है सुभाषित तानी। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। चंद्र की हंती किम हंती, तो उत्तर आ जाएगा स्तमो। फिर है कस्य वचन देयम, तो अष्ट दस पुराणेषु व्यासस्य, इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है मदाय किम, तो विद्या विवादाय धनम हो जाएगा। फिर है मम पुत्रम कह हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा शांति पत्नी क्षमा, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुरुष मन कुत्र कुरुते, तो उत्तर हो जाएगा कल्याणे। फिर है पर भाग्यो जीवी कृदशा भवंती, तो उत्तर हो जाएगा नित्यु रिवत, इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है का भ्राता सखा, तो उत्तर हो जाएगा धर्मो। अगला प्रश्न है पुत्र की दृश्य भवते, तो उत्तर हो जाएगा गुणी। आपको फिर नौवें नंबर के प्रश्न में हम देख रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है उचित क्रिया, क्रिया आपको बताना है। जैसे पुरुष मनुष्य कल्याणे कुरुते, फिर हो जाएगा यत्र नायस्ते पूज्यंते, फिर हो जाएगा षडेते मम माधव, फिर हो जाएगा पापा है परणिनियम, और इसका हो जाएगा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन देयम, इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह साथियों हमारा नौवें नंबर का प्रश्न कंप्लीट होता है। फिर यहाँ पे आपको शब्द दिए गए हैं, यहाँ पे आपको विभक्ति बताना है कि कौन सी विभक्ति है, और यहाँ पे आपको वचन बताना है। तो इस तरह आप विभक्ति और वचन लिख दीजिए। आशा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए एमके एजुकेशन चैनल पर बने रहिए। वीडियो को शेयर एवं लाइक जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में आपके सुझाव अवश्य बताइए। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।